हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ क्रेजी बर्ड्स एंड एनिमल्स में। आज का टॉपिक है, क्या पैरट मिल्क या कोई भी प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट्स पी या खा सकता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है नहीं, पैरट मिल्क नहीं पी सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मिल्क जहर होता है, टॉक्सिक होता है, मिल्क पी लेने से तुरंत पैरट का डेथ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जितना ही मिल्क बेनिफिशियल होता है इंसानों के लिए, उतना ही नुकसानदायक होता है बर्ड्स या पैरट के लिए। क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि मिल्क या अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, जिससे बर्ड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स बर्ड्स के लिए नहीं बने हैं। मिल्क पी लेने से पैरट को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से डायरिया होने का भी चांसेस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, क्यों पैरट्स को मिल्क देना ज़रूरी नहीं समझा जाता। देखिए, बर्ड्स और मैमल्स दो डिफरेंट एनिमल्स हैं। बर्ड्स मैमल्स नहीं है, वो बर्ड्स है और चूजे को अंडे से निकालते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। ये मिल्क में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है, जैसे कि वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स ईटीसी। चूँकि पैरट्स मैमल्स नहीं है, तो वो मिल्क भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बर्ड्स को अंडा सेक कर और हैच करके निकाला जाता है, तो इस दौरान अंडे में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहता है, जिससे चूजे ग्रो और सर्वाइव कर सकते हैं। जब चूजे अंडे से निकल जाते हैं, तब चूजे की माँ मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि चूजे के पैरेंट्स रिजर्जिटेट करके खाना खिलाते हैं। पैरट मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं करती यंग वंस के लिए, इसलिए मिल्क पैरट के नेचुरल डाइट का पार्ट ही नहीं है। इसीलिए मिल्क ज़रूरी नहीं है पैरट्स या बर्ड्स को देना। वो तो इंसान है जो पैरट को मिल्क पिला देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। पैरट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, फ्लावर्स, ये सब से। तो मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहीं समाप्त करती हूँ वीडियो को। मैं जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।